हम आपकी मुलाकात कराएंगे उन डॉक्टर्स की जो कि यहाँ पे रहने वाली जो ख़वातीन हैं उनका ख्याल रखती हैं। यहाँ पर हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ फिजिशियन भी मौजूद हैं, डॉक्टर कुलसुम लाशारी जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं वो मौजूद हैं, और साथ में डॉक्टर नसीम अतीक भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आप मुझे बताएँ कि आप ईडी सेंटर के एक इतने बड़े दायरे के साथ कब से मुंसलिक हैं? मुझे ऑलमोस्ट 2 साल अब होने वाले हैं, और मुझे मेरे जो सीनियर थे सुपरवाइज़र प्रोफेसर इकबाल आफरीदी साहब ने यहाँ अपॉइंट करवाया था, तो तब से ही मैं भावी लोग के साथ माशाल्लाह से काम कर रही हूँ, और डॉक्टर साहिबा हमारी सीनियर हैं, उनकी मदद के साथ हमारा काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे, कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, कुछ बदबخت ऐसे भी होते हैं कि वो बच्चे जो कि थोड़े मेंटली चैलेंज होते हैं, फिज़िकली चैलेंज लोग होते हैं, उनको छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो कि बिल्कुल ठीक होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जब उनके लोग जैसे यहाँ पे डॉक्टर साहिबा थी, उनके बच्चे की डेथ होगी तो ऑलरेडी इतना ट्रॉमा पे छोड़ के यहाँ पे चले गए, और बाकी माँ बाप के बिछड़ जाने का और घर वालों के छोड़ जाने का जो गम, सेपरेशन का गम होता है वो उतना है, कितना मुश्किल होता है आपके साथ इन तमाम तो चीज़ों से डील करना? देखें, सबसे पहली बात यह है कि जब हमारे पास यहाँ पर क्लाइंट आते हैं, हम उनको पेशेंट नहीं कहते हैं जब तक उनकी कोई इलनेस डायग्नोज नहीं होती, तो उसमें कई इशू होते हैं, कुछ बच्चियाँ घर से मिस हो जाती हैं, कोई किसी के चक्करों में जैसे बच्चियाँ इधर उधर हो जाती हैं, और उसके बाद जो हैं बूढ़ी अम्माएँ हैं, डिमेंशिया की पेशेंट हैं, वो घर का रास्ता भूल जाती हैं। अक्सर व बेशतर यहाँ पर जो अम्माएँ आती हैं उनका यही इशू होता है कि वो घर से मिस हो जाती हैं, उनको अपनी मेमोरी नहीं रहती, जिसकी वजह से हम उनको वापस पहुँचा नहीं सकते। इसमें मैं सबसे ज़्यादा इनकी थैंकफुल उन भाभी लोग की कि ये लोग क्या करते हैं कि मैं यहाँ पर जब पेशेंट की असेसमेंट करती हूँ, उसके बाद डायग्नोस जो है तो उसको ट्रीट करती हूँ। अच्छा, अगर किसी का फ़ोन नंबर है हम उनको कॉल करते हैं, उनकी फैमिली को, अगर फैमिली ने आना होता है तो फैमिली आके अपने बच्चे को ले जाती है या अपने फैमिली मेंबर को ले जाती है। कुछ लोगों का जैसे कि फ़ोन नंबर नहीं मिलता तो हमें एड्रेस मिल जाता है, एड्रेस मिल जाता है, तो हम भाभी लोग की एम्बुलेंस जो है, मतलब विधि साहब की जो एम्बुलेंसेस हैं, वो स्पेशली इन लोगों को अपनी गाड़ी में डालकर इनका घर ढूंढती हैं और फिर इनको अपने घर तक वहाँ छोड़ कर आते हैं। तो माशाल्लाह से इतना अच्छा, यहाँ तक ये नहीं है कि ये सिर्फ कराची के प्रिमिंस की बात हो रही है, ये कराची से लाहौर के बच्चों को भी ले जाती हैं, बच्चियों को या ख़वातीन को, वहाँ उनके घर ढूंढे जाते हैं, यहाँ से बाकायदा गाड़ियाँ लगती हैं। तो माशाल्लाह से इतना अच्छा काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो जब मैं अम्मा की वो बात बेटे की बात सुन रही थी कि उनके बेटे छोड़ गए, तो देखें यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सारी औलादें ज़ालिम हैं या सारे माँ बाप ज़ालिम हैं या बहन भाई ज़ालिम हैं, कई लोग मजबूर हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कई जो लोगों ने आपसे बात की, तो जैसे वो बच्ची क्वेटा वाली है, जब वो मिसिंग केस में मिली थी तो वो बिल्कुल साइकोसिस में थी, 3 मंथ्स बैक वो मुझसे ही फर्स्ट टाइम उसका इंट्रैक्शन हुआ था, वो फुल टाइम साइकोसिस में थी, कुछ नहीं बता पा रही थी, ठीक है। तो फिर अब वो जब वो ट्रीट हुई तो उसने कहा कि मुझे घर का एड्रेस याद आ गया, अब आप मुझे भिजवा दें। अब उन्होंने मुझसे फोर्स किया मुझे कि आप मुझे बस पे चढ़ा दें। अच्छा, एक चीज़ ही बता दी, बस सेटेलाइट टाउन और कोटा बस। अब देखिए, बस पे चढ़ाने का ये है कि अब इसमें भी देखें हम लोग इनकी सिक्योरिटी को कितना वो करते हैं कि भाभी क्या करती हैं, हमसे पूछती हैं बच्चे जवान हैं, बैचलर हैं, तो हम उसको कैसे चढ़ा दें। बिल्कुल, रास्ते में वो मिस हो गई तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आ गई। और यहाँ तक ये भी होता है कि जो थोड़ी एज वाली होती हैं या बड़ी होती हैं, तो उनको हम किराया दे देते हैं, भाभी वगैरह किराया दे देती हैं और वो अपने घरों को चली जाती हैं। तो इसलिए मैंने उसको स्पेशली इस बच्ची को बुलाया वार्ड से कि आपके चैनल के थ्रू अगर उनके घर में से कोई भी देख लेता है तो ये अपने घर वापस चली जाती है। बिल्कुल जी, आपने मुलाकात की ना, वो ऐसे से बात की थी, कितनी प्यारी थी, फायजा है, कोयटा से आई थी। अच्छा, आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, वैसे तो क्योंकि जब डॉक्टर है आप जब किसी से मिलती तो आप उनको एज अ केस स्टडी आप उनको देख रही होती हैं, लेकिन ऑफकोर्स बींग अ वुमन हमारे अंदर एक नर्म गोशा ज़रूर मौजूद होता है, जब आके ख़वातीन को देखती हैं, उनकी जब कहानियों को सुनते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ऐसा भी होगा कि जिससे आपका भी दिल पसीज जाता होगा। जी बेटे, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि उनके रोना ज़्यादा रोती है उनके साथ क्या किया जाए, बहरहाल उनकी तकलीफ़ इतनी होती है कि बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम उनके साथ रोते भी ये, और वो तकलीफ़ में होते हैं, उनकी तकलीफ़ को रफ़ा करने की पूरी कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाभी लोगों ने हमें इतनी अथॉरिटी दी हुई है कि हम हर चीज़ उनकी इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत होती है इनको इन्फॉर्म करते हैं और उनसे हासिल करते हैं और इन तक पहुंचाते हैं। अब ये सॉरी मैं आपकी बात को काट रही हूँ कि हमारी डॉक्टर साहिबा यहाँ की वो खातून है कि इनके पास छोटी छोटी बच्ची आती है कि डॉक्टर साहिबा आज हमें ये खाना है,
अगर आपकी कोई आपका दिल कुछ कर रहा है तो सबको पता है कि डॉक्टर साहिबा के पास जाना है और डॉक्टर साहिबा जो है ना वो जरूर कर देंगे। मछली की मार्केट जाती है और लेकर आती है बनवाकर और सबको खिलवाती है। क्या बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कितने अल्हम्दुलिल्लाह की अल्लाह ने ये मुझे खिदमत करने का मौका दिया, कितना मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ इस लिहाज से कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया। महंगाई भी इतनी बढ़ गई है, बड़े मुश्किल भी हैं और लोग अब वो लोग जो पहले 5,000 डोनेशन देते थे वो भी जो है ना वो भी अब 1,000 पर आ गए। जी जी महंगाई की वजह से डोनेशन तो बहुत कम हो गई है, डोनेशन तो कम हो गई है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मरीजों का उससे भी बेहतर तरीके से गुजर हो रही है जैसे पहले थी, पहले उससे भी बेहतर तरीके। और क्यों ना उनकी अच्छी गुजर, क्योंकि सेफ हैंड्स आप यहाँ पर मौजूद है और आप जो यहाँ पर है मछली लाने के लिए, दही बड़ी लाने के लिए, सब ईदी साहब ईदी साहिबा का ये मेहरबानी है कि उन्होंने ये छत ऐसे लोगों के लिए मुख्तस की बनाई कि ये लोग अपनी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं और इज्जतें उनकी महफूज हैं। और अच्छा, चीज़ मैं आखिर मैं भाभी की थैंकफुल हूँ और उनको आप सबके सामने ईद के दिन पे बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगी कि जब मैं यहाँ आई तो कुछ सिस्टम में था कि पेशेंट की केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इनको जो जो ओपिनियन दिए, जो जो एडवाइस दी, इन्होंने उन पर अमल किया, मुख्तलिफ वार्ड बनाए, यहाँ तक कि इतनी एक्सपेंसिव मेडिकेशन जो कि आम फैमिली अफोर्ड नहीं करती हैं अपने पेशेंट के लिए, और ये माशाल्लाह से इनके यहाँ पर 100 पेशेंट हैं उस मेडिसिन के, और यदि विलेज में मैं जाती हूँ तो वहाँ पर भी हैं 70 पेशेंट, तो माशाल्लाह से उस मेडिसिन के लिए लाखों का अमाउंट चाहिए और मॉनिटरिंग चाहिए और वो तमाम तर चीज़ें जो घर वाले नहीं करते वो यहाँ पर यहाँ होती है। जज़ाकअल्लाह जी, बड़ी ज़बरदस्त बात है जी, इनसे तुम्हारी गुफ्तगू यहाँ पर हो ही रही है। अब मैं ज़रा आपको लिए चलती हूँ कि एहसन इस वक्त कहाँ पर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी बात की यहाँ पर डिफरेंट वार्ड्स की ज़रूरत थी, वार्ड्स बनाए गए ताकि हर एलिमेंट का एक डिफरेंट जो भी एलिमेंट लोगों की उसमें मुख्तलिफ इलाज हो रहा है। सो ओवर टू यू एहसन जी। थैंक यू मदिया, बहुत शुक्रिया। और मैं अब हमारे जो फैंस हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं समर टीवी के तमाम व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे चंद घंटे काफ़ी नहीं है, ईद के पूरे पूरे दिन यहाँ पे हम गुजार सकते हैं। आइए मेरे साथ अंदर। जी जनाब, आप देख रहे हैं कि ये हम इस वक्त मौजूद हैं ईदी सेंटर में, और ज़रा कैमरा घुमाइए मेरे साथ। सबको अस्सलाम वालेकुम और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक। सबसे पहले हमारी यहाँ पे जो बहन है, बेटी है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, आप यहाँ पे कब से हैं ये बताइए मुझे। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, तो आप कहाँ से आई हैं, आपकी फैमिली, आपका जो घर वाले हैं वो कहाँ पे हैं? कराची में। कराची में, तो आपको यहाँ क्यों छोड़ दिया उन्होंने? बस मजबूरी से है। मजबूरी क्या थी मेरी बहन, आपको रख नहीं सकते वो? शोहर तलाक दी थी, अब उनका इंतकाल हो गया तो मैं यहाँ आ गई। आपके शौहर ने आपको तलाक दे दिया, आपके बच्चे हैं कि नहीं? और आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया जी, तो आपके भाई हैं क्या? नहीं, कोई भी नहीं। चाचा के बच्चे आते हैं बस मिलने के लिए। आते हैं कभी कभी? जी कभी कभी आते हैं। अच्छा, आप बहुत से लोग आपको ईद पे देख रहे हैं, आप उनको ईद पे क्या पैगाम देना चाहेंगे? अपने बच्चों से प्यार करें, घर में रखें, उनको कोई तकलीफ ना दें। देखिए कितना अच्छा पैगाम है, अपने बच्चों से प्यार करें, उनको घर में रखें।